उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में 37 आरक्षण देने का कानून पारित किया, जिसके बाद समूचे उत्तराखंड की महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। वहीं शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला मोर्चा उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम धामी को पुष्प गुच्छ देकर आभार जताया। आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है। यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियाँ होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची हमारी जो पहाड़ में पढ़ती हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, प्लेन में पढ़ती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। और उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो, उनके पास दौरा एक हमेशा दायित्व रहता है, घर पर भी कुछ ना कुछ उनका काम होता है, और उसके बाद उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्कूल भी जाना पड़ता है, और माँ का कहना भी मानना पड़ता है घर के आने के बाद। और इसके बाद जब इतनी उनको एक जिम्मेदारी के बाद वो अपना एक कुछ अचीव करती है और उसमें अगर उसको एक आरक्षण मिलता है नौकरियों में, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के प्रति ये एक बड़ा कदम है। और इस सराहनीय कदम के लिए हमने आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। यहाँ पर पूरी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, महिला मोर्चा के बाकी सभी हमारी बहनें और महिलाएं, सभी ने उनका धन्यवाद किया। और पूरे प्रदेश भर में भी हर जिले में इसको महिलाएं, मुझे लगता है, उनका धन्यवाद करने वाली हैं आगे आने वाले समय में। देखिए, पूरे उत्तराखंड में आप जिला पंचायतों में देखें तो 13 में से 11 पंचायतें लगभग महिलाओं के पास हैं, जिसमें महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारी 6 से 7 महिलाएं संगठन में हैं, और आगे भी जो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी युवा मोर्चा से लेकर और सभी जितने भी मोर्चे हैं उनमें भी महिलाओं की सहभागिता होगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 30%, वो निश्चित तौर पे तय है, महिलाएं पूरे संगठन में 30% के रूप में रहेंगी, उससे भी अधिक रहेंगी। जो योग्य हैं उनको कहीं ना कहीं लिया जा रहा है, और पंचायतों में भी जहां पर महिलाएं योग्य हैं, चाहे वो आरक्षित सीट नहीं भी है, तो भी हमारा संगठन उन सीटों पर भी महिलाओं को चुनाव लड़ाता है। और आपने विधानसभा में भी देखा कि 8 सीटों पर हमारी महिलाएं विधानसभा में चुनाव लड़ी हैं, जिन पे से 6 सीटों पर हमारी महिला विधायक विधानसभा सदस्य के रूप में हैं। ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए, और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बाँट कर किया। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए और बेटी और सशक्त हो, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, बेटी को सशक्त बनाने के लिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को समाज में सशक्त बने, इस दिशा में हमेशा से काम करती रही है। और आज उसी का प्रतिफल है कि हमारी सरकार ने विधानसभा में 30% आरक्षण, जो कि कोर्ट ने जिस पे रोक लगा दी थी, उसे विधानसभा में विधेयक बना करके उसे पास करके उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। और इससे ये साबित भी होता है कि उत्तराखंड राज्य बनाने में महिलाओं ने जिस तरह की भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को लेकर आज हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और महिलाओं को सशक्त बना रही है। क्या आप